आप शायद ये जानते होंगे कि अगले 60 सेकंड में 1.2 लीटर ब्लड हमारी किडनीज से पास होगा। किडनीज को ट्रांसफर होने वाले ब्लड में यूरिया मिक्स होता है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी के एक्सेस प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है। टॉक्सिक होने के कारण इसे बॉडी से रिलीज करना जरूरी होता है। ये जॉब किडनीज करती हैं। किडनीज ब्लड से यूरिया के साथ साथ एक्सेस वाटर और आयंस को फिल्टर करके यूरिनेशन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। तो क्या आपको पता है कि ये सब होता कैसे है? वास्तव में दोनों किडनीज 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक यानी अति सूक्ष्म वाटरिंग यूनिट्स नेफ्रॉन्स से बनी होती हैं। ब्लड किडनीज में रीनल आर्टरी के जरिए फ्लो होता है। ये आर्टरी स्प्लिट होती जाती हैं और लास्ट में कैपिलरीज में बदल जाती हैं, और कैपिलरीज ग्लोमेरुलस नाम के बंडल्स में बदल जाती हैं। ग्लोमेरुलस के पोर्स यानी छिद्रों में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण ये ब्लड में से वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस और यूरिया को स्क्वीज करके बाहर निकाल देते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बोमेंस कैप्सूल नाम का नेफ्रॉन का शुरुआती स्ट्रक्चर ट्रैप कर लेता है। ब्लड सेल्स और लॉस्ट प्रोटीन्स का साइज बड़ा होने के कारण ये स्क्वीजिंग के लिए पोर्स में फिट नहीं हो पाते और ये कैपिलरीज में ही रह जाते हैं। फिल्ट्रेशन के इस पूरे प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। नेफ्रॉन किडनीज से पास होने वाली एक लंबी ट्यूब होती है। इस ट्यूब से पास होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट में से बॉडी के लिए जरूरी कंपोनेंट्स फिर से सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस के जरिए ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। हालांकि हार्मफुल होने के कारण यूरिया ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होता, ये नेफ्रॉन ट्यूब में आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स पिरामिड नाम की किडनी के निचले हिस्से में कलेक्ट हो जाते हैं। पिरामिड सभी नेटवर्क्स के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है। यूरेटर पिरामिड और ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करती है और सभी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लैडर में स्टोर होते रहते हैं। ब्लैडर के स्टोरेज की मैक्सिमम लिमिट क्रॉस होने पे हमें जोर की सूसू आती है। यूरिन रिलीज करके हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो के दौरान आपकी किडनीज ने कितना ब्लड ट्रैप किया है? वीडियो रोक के इसे सोचिए। करेक्ट आंसर ये है